Arcs Projects. A cathodic protection firm. Email info at arcsprojects.com. सबसे पहले हमने एक वायर लिया, उसको TLP के पाइप से कनेक्शन किया और उसके बाद हमने इस वायर को हमने ग्राउंड कर दिया पाइप के वायर को। और उसके बाद जब हमने डीसीवी मीटर में देखा तो ये देखिए इसमें फ्लेक्शन दिखा रहे है, जहाँ पे हमने ये ग्राउंड किया था उसकी तरफ। ठीक है, जब हम इसके पास गए ग्राउंडिंग पास तो हमारा मशीन का फ्लक्चुएशन 50 के स्केल पे अभी ओवर जा रहा है, नहीं 100 पे करो इसको। और जब हमने 250 के स्केल पे किया फिर भी ये इतना फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। जब हम इसको स्टिक को जब थोड़ा थोड़ा और आगे रखा इसके पास तो ये देखिए जब ओवर लोड जा रहा था, हम इसको 10 मिलीवोल्ट के अंदर किया तो ये देखिए उसके बाद भी ये जब हम जो हमने ग्राउंड किया था वायर उसके सेंटर में जब हम आए तो हमें बिल्कुल इसका ये सेंटर दिखा रहा है। जब हम बिल्कुल इसके जो हमने फोल्ड क्रिएट किया था उसके जस्ट बराबर आए बीच के अंदर तो हमारा ये बिल्कुल सेंटर दिखा रहा है फोल्ड।